यमन देखने वालों को सभी को राम राम। नैनी से ही 9 किलोमीटर दूरी पर जिस जगह पर खड़े हैं ये कुद का एरिया पड़ता है। यहाँ पर एक क्लाउड ट्रेड एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। यहाँ पर यानी कि आज 20 तारीख है, 20 तारीख से यहाँ पर हर हफ्ते शुक्रवार, शनिवार और एतवार के दिन यहाँ पर परफॉर्मेंस होगी, जिसमें जो बच्चे गाना गा सकते हैं या अपना कोई भी टैलेंट है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो किसी भी किस्म का जो भी आर्टिस्ट हो, आर्टिस्टों के लिए यहाँ पर एक शुक्रवार से और शुक्र शनि ऐत 3 दिन ये यहाँ पर परफॉर्मेंस चलाई जाएगी और यहाँ पर जो भी विनर होगा उनको इनाम भी दिया जाएगा। आइए ले चलते हैं आपको यहाँ पर जो क्लाउड ट्रीट है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जो इसके ओनर है उनसे बातचीत करेंगे। क्या ये आपने जो ये परफॉर्मेंस जो यहाँ पर एक कंपटीशन रखा गया है, इसमें कहाँ कहाँ के बच्चे आएंगे और यहाँ पर उनके लिए किस तरह का अरेंजमेंट किया होगा? तो पहले भी नाती एक फर्क अब बचकता हूँ नहीं, एक बार विश्वास तो कर ले, तेरी कसम पलटता मैं नहीं, काम तुझे मेरा नाम भी ना पता रह ले, थोड़ा टाइम साथ देख लेगी बुआ, एक चीज दोनों में है कमन, तेरे पास रहने की मेरे पास छोड़ने की ना है वजह, जो भी हुआ उस दिन दिमाग में आता बार बार, हुआ पहली बार बार, फीलिंग ना समझ पा रहा, खुद को ना रोक पा रहा, यारों को बताया कैसे हुआ तुझे प्यार व्यार, तू ही पैदा तू ही मेरा आखिरी देखे तेनू ते दिल गया मुंडा, आप ते डाउने असी आप ते डाउने किन्नी वारी ने देखे, कदी सुपना जा लगदा कि दुनिया ते छावा, कदी चलदियां शहर विच साडियां हवावां, कदी लगदा ए मैनू मेरी मां दियां दवावां, जेड़े निकलदे नी ओ कंडे कढ के वखावां, असी जानदे नी पौणा जिनू कहता कुड़ियार, जाने कढणा वी जाणा जहान देण लई तैयार, कुछ बोल नहीं ओ सकदे ते मन वारी ने वेखे मिठे चाहे गोल कीपर निशाना गोल पे, रियल लाइफ बातें ये नहीं रोल प्ले, तेरे जैसे फूके साथ वाले रोल पे, पैसे पे ध्यान रखा नहीं होल पे, चाहे गोल कीपर निशाना गोल पे, रात सात के बाद नहीं पसंद लाइन, टेबल नहीं शेयर होना जो ना मिली फाइन, रोज थोड़े बहुत पर कुछ असूले टाइट, उसे नबनी लगती है इनकी धमकियां, बाबा यहाँ का आया बंद करो खिड़कियां, बोले रैपर खुद को पसंद नहीं बोई मियां, कल आसमान आया ऑन बीच मोड़,
मार देते बिना यूज किए चीन पोर्ट जाली आर्टिस्ट जाली इनका भी फोन गाली देनी थी प्रोड्यूसर कर रहा भी तेरिए में आज 20 तारीख है, आज आपने यहाँ पर एक परफॉर्मेंस शो रखा है जी। इसमें कहाँ कहाँ के आर्टिस्ट आएंगे और इस शो करने का क्या मकसद होगा? हमारा एक बड़ा सिंपल सा मकसद है कि जैसे आपको बताया कि खुद और हमारा जो पत्नी टॉप है ये हमारे जम्मू शहर की बेसिकली बेस्ट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, हर हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। तो हम चाहते हैं कि अभी समर्स शुरू हो रही हैं, समर हॉलीडेज पड़ रही हैं, जितने भी हमारे यहाँ से पत्नी टॉप से, कुछ से, मानतलाई से, सनासर से, श्रीनगर से, डोडा से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, जम्मू से, उधमपुर से, खासकर चनैनी से, जितने भी हमारे कलाकार भाई बहन जितने भी लोग हैं उनके लिए हमने एक यहाँ पे आज प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसमें हर फ्राइडे सैटरडे संडे, बिकॉज ज्यादातर टूरिज्म के लोग फ्राइडे सैटरडे संडे को यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तो उनके पास यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे वो एंजॉय कर सके। तो हमने एक ये ऐसा पॉइंट क्रिएट किया है क्लाउड ट्रीट्स, ये क्लाउड ट्रीट्स रेस्टोरेंट है, इसमें ओपन एयर रेस्टोरेंट हमने ऑलरेडी 2 महीने आप लोगों की नॉलेज में है कि हमने स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पे आज ये रखा है कि यहाँ पे जो भी अपना टैलेंट दिखाना चाहे हर फ्राइडे सैटरडे संडे, बाहर से कोई भी कलाकार, मैं आपके माध्यम से अनाउंस करना चाहूंगा कि चनैनी के लोग, उधमपुर के लोग, सन्नासर के लोग, मानतलाई के लोग, खुद के लोग, डोडा के लोग, भद्रवाह के लोग, इवन श्रीनगर के लोग, कश्मीर के लोग, और सबसे स्पेशल बात कि जो हमारे भाई बहन, जो हमारे दोस्त यार, जो फैमिलीज यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं सैटरडे संडे, यहाँ पत्नी टॉप का वेदर एंजॉय करने के लिए आते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, तो उनको भी मैं स्पेशल ऑफर दूंगा कि वो प्लीज 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 यहाँ आए,
अपना इस क्लाउड ट्रीट्स रेस्टोरेंट को एंजॉय करें, वेदर को एंजॉय करें और यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस जो वो चाहें, यहाँ पे हम पूरा एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें आप डांस करना चाहें, सिंगिंग करना चाहें, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना चाहें, तो सब लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, एक खाने के साथ साथ सब एंजॉयमेंट हो सकता है। सर उनके लिए क्या फैसिलिटी यहाँ पर आपकी तरफ से दी जाएगी, क्या उनको जो विनर बनेगा जी, क्या उसको इनाम भी दिया जाएगा? देखिए हमने प्लान किया है कि हर फ्राइडे सैटरडे संडे को हम ये चीजें पहले स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों का जो ये अंदर का हिडन ये बाहर आए। उसके बाद हम स्पेशल एक तो अनाउंस करना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो भी लोग यहाँ पे इस टेन्योर के अंदर डिनर लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी लेंगे उनको हम स्पेशल क्लाउड ट्रीट्स की तरफ से 10% का डिस्काउंट ऑफर करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आपने कंपटीशन की बात की, पहले तो मैं चाहता हूं कि लोग अपना दिल खोल के इसमें पार्टिसिपेट करें, उसके बाद हम हर मंथ एक प्लान करेंगे जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा साथ दे रही है। ऑलरेडी हमें टूरिज्म से भी बहुत सपोर्ट है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सपोर्ट मिल रही है हर तरह का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट से हमें डीएसपी साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स हमें बड़ा वेल कॉर्पोरेट कर रहे हैं, डीसी मैम हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि हम टूरिज्म को यहां प्रमोट करें, बच्चों को एजुकेशन में और ये सारी चीजों में इवेंट में प्रमोट करें। महीने में एक बार हम कोई ऐसा प्लान करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन से बच्चे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम इनाम तरीके से निवाजेंगे। क्लाउड ट्रीट रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आकर आपने परफॉर्म किया, कैसा लगा आपको परफॉर्म कर यहाँ? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, यहाँ तो हम पहले भी आते थे जैसे पत्नी टॉप हो गया, महीने में एक दो चक्कर तो लगते ही थे, बट ये जो चीज करी है रोहित सर ने मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हमारे जम्मू में भी बहुत सारा टैलेंट है, मतलब पूरे जेएंडके की मैं अगर बात करूं तो जो ये इनिशिएटिव लिया सर ने कि हर फ्राइडे सैटरडे संडे ये चीज करेंगे, मेरे हिसाब से जम्मू के जो हिडन टैलेंट है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जैसे आज हमने किया, फिर नेक्स्ट 27 को सर बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो उसमें जो मतलब मेरे जैसे आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा या जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मतलब आर्ट को दिखाने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे को यही लगता है कि जो आर्टिस्ट हैं उनको इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए, और हर फ्राइडे सैटरडे संडे अगर कोई साइड आ रहा है जम्मू वाली साइड से या उधमपुर से या यहीं का लोकल आर्टिस्ट अगर कोई है तो वो यहाँ के परफॉर्म कर सकता है और लोगों के साथ बातचीत भी कर सकता है। जैसे हम भी आए, हमने भी नए लोगों से मिले, हमें भी कुछ सीखने को मिला, लोगों ने भी हमारा आर्ट इन्जॉय किया जिसमें मैंने रैप परफॉर्म किया, तो यही चीज़ है कि जो भी नया आर्टिस्ट आएगा उसको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और अपना आर्ट वो दिखा सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर की धरती बहुत सरखेज है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो है वो छुपा हुआ है, वो उभरने का मौका नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से एक नया कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सबको यहाँ पर आके अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, तो इससे बेटर चीज़ कोई की नहीं जा सकती थी किसी हमारे यंग यूथ के लिए। क्या पहले इस तरह के कार्यक्रम किए जाते थे? मेरे ख्याल से ऐसा कंसेप्ट मेरे ख्याल से कहीं पे मुझे दिखा नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, शायद बहुत कम नॉलेज है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक एनालाइज किया चीज़ों को, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं कहीं पे कि कोई भी आ सकता है जिसमें टैलेंट है वो आके यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है और अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को सामने आने के लिए और अपना टैलेंट दिखाने के लिए। धन्यवाद। तो इसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं रोहित सर का कि उन्होंने ये कंसेप्ट लाया और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जिनमें टैलेंट है वो जो है अपना जो छुपी हुई चीजें हैं वो सामने लोगों के ला सकते हैं और लोग भी इसको एंजॉय करते हैं। आज आपने यहाँ पर क्लब ट्रीट में आकर डांस की परफॉर्मेंस की, क्या इससे पहले यहाँ पर परफॉर्मेंस की जाती थी? नहीं, इससे पहले तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस का क्या बोलते हैं कोई जरिया नहीं था, बट ये रेस्टोरेंट जब से खुला है, ये रेस्टोरेंट जो है जो पति टॉप वाली साइड जाते वक्त खुद के रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ पे जो भी आए वो यहाँ पे रुक भी सकता है वीकेंड्स पे, और हर वीकेंड पे ये लोग परफॉर्मेंसेस प्लान करते हैं आर्टिस्ट के लिए। तो जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए, अपना आर्ट दिखाना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, उससे उनकी भी प्रमोशन होगी और उनके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे और ये टैलेंट को एक्सप्लोर करने का दिखाने का सब अच्छा प्लेटफॉर्म है एक जम्मू के आर्टिस्ट के लिए। तो उन सबको मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आएँ और परफॉर्म करें, और लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब वो यहाँ से जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं पत्नी टॉप से, तो यहाँ पे रुकें, यहाँ की ट्रीट्स इन्जॉय करें, यहाँ के फूड को इन्जॉय करें जो कि बहुत अच्छा है, और अपना वीकेंड इन्जॉय करें और फन करें। थैंक यू। धन्यवाद।